सर जैसा आजकल लोग बेसिकली बोल रहे हैं कि ए आ गया है मशीन लर्निंग आ गया है तो जैसे जॉब जाने वाली है बट जैसा कि एटीज़ के टाइम पर भी कंप्यूटर आ रहे थे तो सर सबको लग रहा था कि जॉब नहीं बचेगी बट उसके बावजूद आज के टाइम पे जॉब्स बढ़ी सो आई थिंक एआई आएगा बट ह्यूमन बीइंग का जो वो है वो एसेंस वो रहा है वो मतलब रह गई रहेगा ये हो सकता है कि जॉब बिल्कुल खत्म नहीं होंगे लेकिन जहां हमें दस कंटेंट राइटर्स की जरूरत होती थी वहां से वो पांच जरूर हो जाएंगे क्योंकि आधा काम चैट जीपीटी कर रहा है बल्कि कम भी हो सकता है उससे ज्यादा कितने हैं जिन्होंने आज तक चैट जीपीटी को यूज नहीं किया है आप लोगों को कुछ नहीं आइडिया है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है दिस इज ऑल वॉट आई कैन से चैट जीपीटी अकेला नहीं है अभी उसका बहुत ज्यादा बज क्रिएट हो गया है मार्केट में बट उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि ए आई बेस्ड है और अलग अलग तरीके से डिस्टरप्ट कर रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज को और अब क्या हो रहा है इस बार पहली बार हिस्ट्री में कि सब कुछ जो अलग अलग था वो सिंथेसाइज हो गया है वो सब कुछ एक साथ आ गया है तो कुछ इतना बड़ा हो रहा है विच इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन और ये बात आप कर रहे हो आज यानी चैट जीपीटी फोर के बारे में आप बात कर रहे हो सोचो फाइव में क्या होगा सिक्स में क्या होगा टेन में क्या होगा बिल्कुल ऐसा है जब कंप्यूटर आया था तब कैसा था या जब मोबाइल आया था तब कैसा था और आज कैसा है तो आप समझ सकते हो कि अगले दो साल में पांच साल में दस साल में क्या होने वाला है इंडिया में जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं जितने भी लोगों से बात कर रहा हूं या तो वो इग्नोरेंट है यानी उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है या वो डिनाइल मोड में है आपके साथ में कुछ इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूं उससे हो सकता है थोड़ा सा दिमाग खुलेगा और आप लोगों को समझ आएगा कि दुनिया किस डायरेक्शन में भाग रही है के बारे में किसी को पता है कि कितने इंप्लॉयज है दो सौ सिर्फ चार सौ तो आप सोच करके देखो एक ऐसी जहां पे सिर्फ 200 सौ हैं उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो वो कंपनी क्रिएट नहीं कर पाई जहां पे लाखों इंप्लॉइज हैं तो इंप्लॉयिज की जरूरत कहां है कुछ भी बड़ा क्रिएट करने के लिए और इस बार में और पिछली बार में फर्क ये है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है चाहे वो मशीनरी हो फिर चाहे वो न्यूक्लियर वेपन हो उस सब में लोगों ने काम किया है और फिर वो आगे डेवलप हुई है टेक्नोलॉजी इस बार फर्क ये है कि AI को हमने डेवलप किया अब AI, AI को डेवलप कर रही है ये बात समझनी बहुत जरूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इतनी इंटेलिजेंट होती चली जा रही है कि वो खुद सीख पा रही है खुद समझ पा रही है और उसमें से रोज नई नई कैपेबिलिटीज इमर्ज हो रही हैं। दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मच फास्टर देन थॉट जहां तक आप सोच नहीं सकते हो उतनी तेजी से ये ग्रो हो रही है मशीन काम कर रही है इसको मशीन लर्निंग बोलते हैं मशीन को पहले हम ट्रेन करते हैं फिर उस मशीन को जितना हम यूज करते हैं वो मशीन और ट्रेन होती चली जाती है एआई के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं आज की डेट में उन्होंने आज से दस बीस साल पहले प्रडिक्ट किया था कि जैसे जैसे ए आई डेवलप होगा तो सबसे पहले जो जॉब जाएंगी वो जाएंगी ब्लू कॉलर जॉब्स यानी कि वो लोग जो बहुत ही बेसिक लेवल का मैकेनिकल काम करते हैं लेबर वर्क करते हैं ड्राइविंग करते हैं ये करते हैं वो करते हैं रोबोटिक्स आएगा और वोली जॉब चली जाएंगी ऐसे हमने मूवीज में भी देखा है साईफाई मूवीज में yes, फिर उसके बाद में जाएगी व्हाइट कॉलर जॉब्स क्योंकि उसके लिए एक अलग लेवल की स्किल चाहिए फॉर एग्जाम्पल जो ऑफिस में बैठ करके आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो कोडिंग कर रहे हो उसके बाद में आखिरी में जो जॉब जाएंगी वो होंगी क्रिएटिव जॉब्स जैसे फोटोग्राफर्स हो गए डिजाइनर्स हो गए विजुअलाइजर्स हो गए राइटर्स हो गए इसका एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है सबसे पहले जो जॉब जा रही है वो है क्रिएटिव जॉब्स और व्हाइट कलर जॉब्स मतलब जो सबसे मुश्किल काम था वो एआई ने सबसे पहले कर दिया अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी मेरी बात एक काम करते हैं मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ दिखाता हूं तब शायद आप लोगों का दिमाग खुलेगा अपने पास में एक इमेज होगी जो मैंने क्रिएट करी थी ए से वो यहां पर आप प्ले करता एक बार अब ध्यान से देखो इस इमेज को क्या देखने में किसी भी एंगल से नकली लग रही है रोबोट लग रही है या एक असली फीमेल, लग रही है। असली फीमेल लग रही है इन लोगों ने क्या किया है बिलियंस ऑफ इमेजेस जो इंटरनेट पे है यानी कि हमारी इमेजेस और हम जैसे और लोगों की इमेजेस उन सबको बिना हमारी परमिशन के इन लोगों ने क्या किया उसको रीड किया उसको समझा उससे सीख लिया तो कहीं से आंखें पिक करी कहीं से नाक पिक करी कहीं से लिप्स पिक करे कहीं से ज्वेलरी पिक करी कहीं और से कुछ पिक किया अब ये फीमेल दर इज अ अस्ट्रॉग पॉसिबिलिटी पूरी दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है बट शी इज एज गुड एज अ टॉप मॉडल ध्यान से समझो कितने लोगों की जॉब जाने वाली है इसकी वजह से इसकी मतलब इस लड़की की वजह से नहीं क्योंकि लड़की तो कहीं है ही नहीं इट इज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन एक्चुअल में लड़की कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है ये मॉडल अगर हम वैसे हायर करते तो इसके जो फीचर्स है जो लुक है इसको कम से कम हमको पेमेंट करनी पड़ती बीस हजार से लेकर के पचास हजार रुपए एक दिन की ये शूट करने के लिए हमको पूरा एक सेट बनाना पड़ता जिसकी कॉस्ट होती अगेन बीस हजार रुपए से लेकर पचास हजार रुपए इसके लिए एक फोटोग्राफर हायर करना पड़ता क्योंकि ये इमेज इमेज नहीं है आप लोग हो तो आपको पता नहीं लगेगा बट दिस इज वेरी हाई क्वालिटी फोटोग्राफी तो इसके लिए जो फोटोग्राफर चाहिए वो उस लेवल का चाहिए जो एक दिन का चार्ज करेगा कम से कम पचास हजार रुपए से लेकर के लाख रुपए इसके लिए चाहिएगा एक ऐसा मेकअप आर्टिस्ट जिसकी पेमेंट होगी कम से कम पांच से दस हजार रुपए इसके लिए चाहिएगा एक स्टाइलिस्ट जो कि ये गार्मेंट्स को हायर करेगा ज्वेलरी को हायर करेगा या करेगी वट तो कितने सारे लोग चाहिए अब इन सब लोगों का क्या होगा तो मैं सच को देख पा रहा हूं आई एम नॉट इन डिनाइल मोड लाइक मोस्ट ऑफ यू तो आने वाले एक दो साल के अंदर तीन साल के अंदर जब इसकी क्वालिटी और बेटर होती चली जाएगी तो हमारी इमेजेस बिकनी बंद हो जाएंगी तो उन फोटोग्राफर्स का क्या होगा मॉडल्स का क्या होगा स्टाइलिस्ट का क्या होगा ग्राफिक डिजाइनर्स का क्या होगा इसके अंदर एडिटिंग हो रखी है बहुत अच्छे लेवल की तो एक झटके के अंदर अंदर कितनी जॉब चली गई और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है और इसी एग्जाम्पल को जब आप कोडिंग और प्रोग्रामिंग के एंगल से समझोगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी कितने प्रोग्रामर्स लगे चैट जीपीटी को इतना बड़ा कुछ बनाने में 200 जितने लोग अभी यहां बैठे हैं बस उसमें कुछ ऐसा बन गया जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया तो जब उसके जैसी सौ कंपनी कुछ अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम करेगी तो सोचो क्या होने वाला है अगले दो तीन साल बाद चैट जीपीटी को 200 बंदों ने बनाया है अब मजे की बात उन 200 बंदों की भी एक्चुअल में जरूरत नहीं है <laughs> जैसे ताजमहल के बारे में सुना था अब ये कहानी है कितनी सच है कितनी नहीं पता नहीं कि जिसने बनाया उसके हाथ काट दिए अब तो ए खुद मोशन में आ गया इट्स लाइक अ स्नोबॉल इफेक्ट जैसे ऊपर से एक बर्फ के पहाड़ से आप एक छोटे से पत्थर को फेंकते हो धीरे 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 और स्नो को गैदर करता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसको रोकना इंपॉसिबल हो जाता है इसको लगे लगे रहने रहने दें हटा दे। <laughs> कौन था ये जिसने लगे रहे था, सर आयो ना मजे लेने के लिए यहां पर अरे हटाओ भाई इसको हटाओ अगर आपको कुछ स्टैट्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो ए को आज की डेट में कहते हैं उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो एक नौ साल के बच्चे जितना है ये डेटा है दिसंबर 2022 का और जनवरी 2022 में उसकी जो एज थी वो थी सात साल और सात साल का होने में उसको लगे थे दस से पंद्रह साल लेकिन सात साल से नौ साल तक पहुंचने में लगे एक साल से भी कम तो अगले छह महीने में क्या होने वाला है अगले एक साल में क्या होने वाला है दो साल में क्या होने वाला है यू कांट इवन इमेजिन इन द दर्ल्ड ऑफ योर ड्रीम्स अब ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने अभी आपको इमेज दिखाई थी इसके बाद में सब कुछ ही खत्म हो जाएगा लेकिन आप ये कह सकते हो नाइनटी का फोटोग्राफर्स का काम खत्म सिर्फ दस बचेंगे वो जिनके अंदर कुछ ऐसा है जो ए नहीं कर पा रहा है यह होना ही है क्योंकि कंपनी के के पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव से से देखो एक के से देखो क्लाइंट उसको कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है फ्री में काम हो रहा है और अनलिमिटेड सप्लाई है पीछे से तो क्लाइंट किसको चूज करेगा क्लाइंट बेवकूफ है जो जाकर के आठ दस हजार रुपए देगा वो तो फ्री में एक्सेस करेगा बट इस सच को देख पाने के लिए एक ऐसी नजर चाहिए जो बिल्कुल ही अनबायस्ड हो और फियरलेस हो यह डर करके डिनाइल मोड में चले गए मैंने अपनी इंडस्ट्री में और लोगों से बात करी जो स्टॉक फोटोग्राफी इंडस्ट्री में है, तो सबका यही रिएक्शन था अरे नहीं 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 एआई में वो बात थोड़ी है 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 हमारी इमेजेस देखो ये बढ़िया 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 वो है, वो है, वो इमेजेल मोड में है फिर उसके बाद आएगा तीसरा मोड मोड दैट इज पैनिक मतलब पहला होता है इग्नोरेंस फिर आता है डिनायल फिर आता है पैनिक अब क्या करें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है या तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कुछ इतना यूनिक हो कि ए वो ना कर पाए या फिर अपनी जो स्किल है उसको चेंज करने के लिए आपको रेडी रहना होगा अपने ऊपर ये जो ठप्पा लगाते हो ना कि मैं ये हूं इन सारे ठप्पों को हटाना होगा आपने दो साल तैयारी करी है कॉलेज में घुसने के लिए चार साल वहां पे पढ़ाई करी उसके बाद में दस साल कहीं पे नौकरी करी तो अगर आपने अपने माइंड में बिठा लिया है कि मैं ये हूं तो आप बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले हो क्योंकि हो सकता है कुछ टाइम बाद वो जॉब ही नहीं बचेगी तो आपको कैसा बनना होगा अपने ऊपर कोई ठप्पा नहीं लगाना है

पहली जो स्टेज थी ए की वो थी क्यूरेशन की आज है जनरेशन की क्यूरेशन मतलब क्या होता है जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज है कि आपको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है कितनी देर तक क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो क्या लाइक कर रहे हो क्या डिसलाइक कर, कर रहे हो आपकी पर्टिकुलर एज ग्रुप में आपके पर्टिकुलर एरिया में और लोग क्या कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्टेंट दिखाया जाता है और आप उसके एडिक्ट हो जाते हो अगर अभी भी आप लोगों को नहीं समझ आया मैं क्या बोल गया तो एक सोशल डिलेमा करके मूवी है वो जाकर आप देख सकते हो मूवी नहीं है बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री है कितनों ने देखी है सिर्फ तीन चार लोगों ने बाकी देखी भी नहीं है ए की अभी एक कैपेबिलिटी को आपने देखा है दूसरी को तो अभी तक देखा ही नहीं है उसका तो प्रिव्यू है जो मैंने अभी आपको दिखाया है ट्रेलर है एक्चुअल पिक्चर तो देखी ही नहीं है मतलब क्या देखा है आपने ए का जो सोशल मीडिया कंपनीज ने किया यानी कि क्यूरेशन क्यूरेशन मतलब क्या यूट्यूब पे शॉर्ट्स हैं इंस्टाग्राम पे रील्स हैं फेसबुक पे कंटेंट है मतलब आपको वही कंटेंट दिखाया जा रहा है जिसके बाद में आप उसको बंद नहीं कर पाओगे चाह करके भी आपको एडिक बना दिया गया है आपकी ब्रेन को हैक कर लिया गया है कंटेंट को क्यूरेट करके थ्रू एआई अब एआई का एक दूसरा फेज शुरू हो रहा है वो है क्रिएशन जनरेशन अभी तक एआई कंटेंट क्रिएट नहीं करता था क्रिएटर्स करते थे बट ये जो कंपनीज हैं वो क्यूरेट करती थी कंटेंट को क्यूरेट मतलब इतना सारा कॉन्टेंट है उसमें से क्या दिखाना है क्या नहीं मान लो सौ करोड़ से, से कौन सी आपको है कौन सी नहीं या कौन सी दिखानी है कौन सी नहीं दिस क्यूरेशन अब आएगा क्रिएशन आप कहो ना आपको क्या चाहिए command, prompt, दो को, जो बड़े रिसर्चर्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं आप को दो ऐसे ऐसे सोल्यूशन निकल करके आएंगे कि साइंटिस्ट भी देख करके हिल जाएगा कि भाई ये क्या है ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन ये नहीं कि बीस साल रिसर्च किया उसके बाद में कुछ निकल रहा है अरे नहीं एक सेकेंड के अंदर अंदर सर इसका कंक्लूजन क्या है योडी ये हमारी सबकी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है हम सबको क्या चाहिए कंक्लूजन चाहिए क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि इस प्रॉब्लम का ना तो मेरे पास में कोई सॉल्यूशन है ना कोई कंक्लूजन है ना मुझे पता है कि क्या होने वाला है जो भी आपको कह रहा है ना कि मुझे पता है कि क्या होने वाला है वो महाबेवकूफ है किसी को नहीं पता है क्या होने वाला है वी आर समथिंग दैट वॉज द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी कुछ ऐसा हो रहा है जो आज से पहले कभी हुआ ही नहीं है तो हमारे पास में कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है जिसके बेस पे हम बोल सके कि ऐसा कुछ होने वाला है देखो ध्यान से समझो ये जो ऑपरेट कर रहा है ये कर रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग के बेस पे उसकी जो पावर्स है वो इन्फिनिट है इंफॉर्मेशन जो है वो इन्फिनिट है क्रिएशन की पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट है डिस्ट्रक्शन की पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट है अब बताओ ऐसी कोई चीज आज से पहले कभी आपने देखी सुनी तो ऐसी एक पावर को इन एक्शन देखने का मतलब क्या होगा वो हमारी सोच से परे है इस बात को समझ जाओ सबसे पहले तो तो फालतू के कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करोगे नहीं तो या तो आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करोगे अरे ऐसा बातों में कुछ नहीं पढ़ा है जब होगा तब की तब देखेंगे ना की फर्क पैदा है दो चार पैक लगाओ सो जाओ ये अप्रोच होगी आप लोगों की मेजोरिटी ऑफ यू गाइस बट कुछ होंगे जो कहेंगे कि भाई एक ऐसी प्रॉब्लम है हम सबके सामने जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि उससे डील कैसे करना है वी हैव नो क्लू मतलब एक ऐसी शक्ति है जो हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो शक्ति सिर्फ कुछ बिजनेसेस के हाथ में है तो बाकी की पूरी ह्यूमैनिटी का क्या होगा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसका मेरे पास में कोई जवाब नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूं मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूं मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं आपको अवेयर कर रहा हूं बट ऑल आई कैन से इज कि इसमें वही लोग सरवाइव करेंगे वही लोग बचेंगे जो बहुत तेजी से अपने आप को बदल पाएंगे चेंज कर पाएंगे जो हर तरह की प्रॉब्लम का सामना करने के लिए तैयार बैठे होंगे ये बिल्कुल ऐसा है अपनी ब्रेन को डेवलप करना एक पर्टिकुलर लेवल पे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई गेम खेलते हो मान लो चेस खेलते हो तो एकदम से रातों रात ये नहीं हो सकता कि आप चेस इस लेवल पे खेलने लग जाओ कि आप कंप्यूटर से कंपीट कर लो उसके लिए आपको कई साल तक प्रैक्टिस करनी होगी अगर कभी आपने चेस खेली ही नहीं है और आपके सामने कंप्यूटर चेस खेल रहा है तो गेम शुरू होने से पहले ही खत्म है यही हालत होने वाली है AI के साथ में तो अब आपको अपने आप को इस लेवल तक ऊपर उठाना होगा इस लेवल तक गेम समझना होगा कि आपको कंप्यूटर की नेक्स्ट चाल को समझना होगा और कंप्यूटर को कंप्यूटर के गेम में हराना होगा या फिर आप सुनना ध्यान से सुनना हराना होगा या फिर आपको यह समझना होगा अब ध्यान से सुन लेना मैं इसको समअप कर रहा हूं या फिर यह समझना होगा कि इस गेम को हम नहीं जीत सकते हैं देर इज एब्सोल्यूटली नो होप तो मुझे इस गेम को खेलना ही नहीं है इस गेम से बाहर निकल करके फिर कुछ ऐसा करना होगा जो इस पूरी गेम से बाहर है मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन निकालना होगा